नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल का ये पहला अमेरिकी दौरा है। राहुल वहां किससे मुलाकात कर रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, इस पर बीजेपी नहीं पूरे देश की नजर है। राहुल वहां आरक्षण से लेकर भारत में सिखों की सुरक्षा पर बात कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका की विवादित सांसद इल्हाम उमर से भी मुलाकात की। इन मुद्दों पर बीजेपी राहुल पर हमलावर है। सबसे ज्यादा विवाद राहुल का सिखों पर दिए बयान को लेकर हो रहा है। राहुल भारत में सिखों की सुरक्षा पर बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका ये दांव उलट हो चुका है। बीजेपी जहां राहुल पर निशाना साध रही है, तो वहीं खालिस्तानी नेताओं ने राहुल के बयान का स्वागत किया। दरअसल एक कार्यक्रम में राहुल से भारत में सिखों की सुरक्षा पर सवाल किया गया। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लड़ाई एक सिख व्यक्ति के लिए पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की है। उन्होंने आरएसएस पर कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को दूसरों से कमतर मानने का भी आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या वहां एक सिख के रूप में गुरुद्वारे में जाने में सक्षम होगा। लड़ाई इसी बारे में है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं सभी धर्मों के लिए है। राहुल के इस बयान को बीजेपी 1984 के दंगे से जोड़ रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केंद्र में जब राहुल गांधी के परिवार की सरकार थी, तब सिखों के साथ क्या हुआ था ये सबको पता है। पुरी ने कहा कि जब से देश आजाद हुआ, ऐसा पहली बार है कि सिख कम्युनिटी अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। उन्होंने कहा कि अगर इस सरकार ने सिख कम्युनिटी के लिए अच्छा काम किया है। राहुल के बयान का विरोध जताने के लिए बीजेपी के सिख नेता रास्ते पर उतर गए। उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी दिल्ली के सिख प्रकोष्ठ ने राहुल से माफी की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती का इस्तेमाल किया और सिखों के बारे में बयान दिया कि सिखों को पगड़ी पहनने और गुरुद्वारे में जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा सिख समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और देश में 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए सिखों को अपमानित करने के लिए उनसे माफी की मांग की है। इसके अलावा ये भी बता दें कि दिल्ली बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने तो राहुल गांधी को खुली धमकी भी दे दी है।